महाराज जी, जैसे सरकारी विभाग आदि में होता है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए धन मिला महाराज जी, तो अधर्म का धन ये भी माना जाएगा कि जिस चीज के लिए वो मिला है उसी चीज पे लगना चाहिए, अगर हम उससे अन्य इधर उधर करते हैं तो वो अधर्म है। हाँ, तो सरकार आपको पैसा देती है ना, सरकार अगर मान लो आप किसी बात का ठेका लेते हैं किसी बात, तो ये तो पता ही है कि आप इतने परसेंट इसके लेंगे, लेकिन उतना जितना आपको लगाना चाहिए, अगर उसको आप नहीं लगाते तो अधर्म का ही तो हुआ, वो आपका नाश तो करेगा ही, पतन तो करेगा, चाहे जिस भी भाग से ले लीजिए। वैसे मुझे लगता है जो सरकारी हिसाब किताब से जो धन दिया जाता है उनका तो अपना अलग सरकारी पैसा मिलता होगा मर्जी, पूरा सरकार का फंड होता है। इंजीनियर है तो उसका अलग पैसा है, अलग, हाँ उसका अलग, तो फिर आपको जो जो जहाँ के लिए मिला है वहाँ लगाना, जैसे पुल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या जिस भी भाग के लिए उसको यथावत लगा देना चाहिए। अगर नहीं लगाए तो फिर कानून में भी अपराध है और भागवतिक भी अपराध है। वो समाज सेवा के लिए मिला हुआ पैसा अगर कहीं अपने घर में लगाया जाए और उसको कुछ दिखा दिया जाए तो वो घर नहीं ठीक रहेगा और परिवार उसमें रहने वाला सुखी नहीं रहेगा।